सलामुअलैकुम, आपका आना मुबारक हो और ऑनलाइन वालों का घर में रहना भी मुबारक हो। लाइफ इज ए बेड ऑफ रोजेज और इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। अच्छा, वैसे अपनी दिमाग को ट्यून करने की बात है, जिस चीज को कर रहे हैं उसमें दिल लगा लें, इट इज अ बेड ऑफ रोजेज। अच्छा, टेस्ट की जरूरत कर लेते हैं पहले, आज वाला टेस्ट वैसे देख लेते हैं ना क्या आया उसमें, इसकी दुम की तरह। अच्छा, ये कोई जो आज के टेस्ट में एक बैलेंस शीट होगी बनी हुई, खामोश, ये कोई दो तीन होंगे, कोई सऊदी टीम को कोई पैसे दे देंगे, शेयर दे देंगे, कोई कंटिजेंट कंसिडरेशन होगी, फिर उसके बाद इस एडजस्टमेंट को थोड़ा मैंने चेंज किया लास्ट टाइम के टेस्ट की बनिस्पर, फिर उसके बाद ये इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट बड़ी मजे की होगी, इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट। तो हाँ, 10 एडजस्टमेंट है सवाल में, डिविडेंड की भी एडजस्टमेंट है, फिक्स एसेट के बेचने की भी है, तो ये अच्छी रिविजन आपकी हो जाएगी। और कहाँ से काटने मिली है एडजस्टमेंट नंबर, एक्सेलेंट यार, कौन बोला है ये एडजस्टमेंट, हाँ 15,000 है यार, अच्छा कौन है यार, ये कौन बोला है, एक्सेलेंट यार, ये टेस्ट में ना जो कॉपी हो रहा है, कोई ऑफिस वाला बंदा बैठा ही नहीं हुआ, इसको 15,000 कर दीजिएगा और बाकी तो ठीक है। अच्छा ठीक है जी, आगे चलते हैं, और दो इसमें एमसीक्यूज होंगे तो ऑनलाइन में सही तरीके से अपलोड होगा। सॉल्यूशन इसका ये पड़ा है, ये नहीं, सॉल्यूशन में गलती नहीं होगी, ओके। सॉल्यूशन में मैंने जनरल एंट्रीज डाल दी हैं जहां जहां आपको मसला आ सकता था, ताकि सॉल्यूशन अपलोड होता है वो समझ आ जाए। अच्छा, क्योंकि पिछले टेस्ट में बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया IFRS 8 दिखाने की वजह से, टेस्ट बहुत से लोगों ने जाकर टेस्ट दिया जो नहीं भी देते थे, बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया टेस्ट दिखाने का, तो इंशाल्लाह IKF का पेपर भी आप देख लेंगे किसी दिन। भाईजन मैं फोटोकॉपी करा के बांट देता हूँ, इससे भी ज्यादा मोटिवेट होंगे आप। पेज नंबर 653, क्वेश्चन नंबर 27, जो हजरात और जो हजरत तशरीफ नहीं लाए थे सैटरडे को, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़ी परेशानी उनके लिए है, छोटी परेशानी नहीं, चलें बहरहाल उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। आज जो मैं सवाल करवाऊंगा, जिस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ मूव करूंगा, तो उन्हें थोड़ी सी चीजें मैं रिवाइज करवा दूंगा। अच्छा, द फॉलोइंग इज द समराइज ट्रायल बैलेंस ऑफ बो लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी सो स्पीयर लिमिटेड। बो कौन होता है, कोयल, और स्पीयर कोयला, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। अच्छा, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम और टैक्स एक्सपेंस, इनको मैं काट रहा हूं ट्रायल में, क्योंकि ये मैंने P&L बनाते हुए देखने हैं। फिलहाल सवाल की पहली रिक्वायरमेंट है P&L, दूसरी रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट। तो मैं इस वक्त दूसरी रिक्वायरमेंट सॉल्व करने लगा हूं, तो मैंने काट दिया है P&L के आइटम्स को। अच्छा, बाकी अल्लाह का शुक्र है हमारा सवाल नॉर्मल सा है, शेयर कैपिटल आ रहा है, शेयर प्रीमियम आ रही है, रिटेन अर्निंग आ रही है, करंट लाइबिलिटीज आ रहे हैं, PPE आ रहे हैं, इंटेंजिबल्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और करंट एसेट्स आ रहे हैं। तो सवाल बड़ा नॉर्मल तरीके से इंशाल्लाह हो जाएगा बैलेंस शीट वाला, फिर P&L वाले सवाल में इंशाल्लाह हम चीजों को एक एक करके तसल्ली से देखेंगे। अब मैं कुछ बातें करने लगा हूं, भाई के आने का इंतजार हो रहा था। जब कभी पेपर में आपको ट्रायल अवेलेबल होगा, समराइज ट्रायल, तो ट्रायल में ना सेल और खर्चे नजर आ रहे होते हैं, ट्रायल में सेल और खर्चे, भाई जल्दी आ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने लगी है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आने लगा है, इसके साथ बैठ जाए। जब कभी ट्रायल में सेल और खर्चे नजर आ रहे होंगे, तो सवाल में लिखा हो या ना लिखा हो, रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग होगी। रिटेन्ड अर्निंग क्या होगी, हालांकि सारी फिगर्स 31 दिसंबर की हैं, बट रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग होगी। वजह यह है कि अभी तक सेल्स और खर्चे नेट होकर प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ, और सेल और खर्चे नेट होकर प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ
इसलिए प्रॉफिट अभी तक अर्निंग में नहीं गया, इसलिए ये अर्निंग कौन सी आ रही है? ओपनिंग। अगर मैं इसमें प्रॉफिट डाल दूं तो ये मेरी अर्निंग क्या बन जाएगी? क्लोजिंग। इसलिए पहला सफा हम छोड़ेंगे पी एंड एल के लिए, दूसरा सफा हम छोड़ेंगे बैलेंस शीट के लिए, और फिर हम वर्किंग 1, 2, 3, 4, 5 भी आज करेंगे। 6 से मैं शुरू करने लगा हूं। वर्किंग 6 इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। वर्किंग टाइम पे आया करें वरना शुरू वाली चीजें मिस हो जाती हैं। वर्किंग 6 इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। वर्किंग 6 मिसिंग फिगर्स निकालने में हेल्प, टाइम पे आया करें, वर्किंग 6 मिसिंग फिगर्स निकालने में हेल्प आउट किया करेगी। सवाल में अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी वो वर्किंग 6 के जरिए हम निकाल लिया करेंगे। अच्छा, अब मुझे ओपनिंग रिटेन अर्निंग की फिगर भी आपके सामने है। सेल और खर्चे मैंने मिटा दिए हैं लेकिन नजर आपको फिर भी अंदर करके थोड़े थोड़े आ रहे होंगे। इनका क्या करना है? वर्किंग 6 पहले मुझे जरा करवा दें। वर्किंग 6 पेरेंट और सब्सिडरी। वर्किंग 6 इज अ कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स, इट इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। वर्किंग 6 करने से पहले आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। वर्किंग 6 में अनएडजस्टेड फिगर्स पोस्ट होती हैं। अगर मैं ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में प्रॉफिट डाल दूं और डिविडेंड माइनस कर दूं तो मेरी क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग निकल आएंगी। जरा ट्रायल से मुझे देख के बताएं, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग कितनी है पेरेंट की? 4, 5 और सब्सिडरी की 1032। बड़ी आसान सी कैलकुलेशन होने लगी है। अच्छा, प्रॉफिट्स मुझे बताएं, पेरेंट के प्रॉफिट्स और सब्सिडरी के प्रॉफिट्स। प्रॉफिट सवाल में अवेलेबल नहीं है, मुझे आप कैलकुलेट करवाएं। पेरेंट की मुझे सेल बताएं, 10354। कॉस्ट ऑफ सेल 6510। आगे क्या आ रहा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1426। अदर इनकम ऐड होगी, ऐड 700। और टैक्स एक्सपेंस कितना? 806। आप तशरीफ ले जाएं यहां से, घर में अंदर तक कुछ लोग आ गए हैं। ठीक है, आप बता दें पी का प्रॉफिट 2312। जरा एस की सेल बताएं, 7992। ये एस की सेल है, ये एस की कॉस्ट ऑफ सेल है, ये खर्चे हैं, ये खुशियां हैं, ये भी खर्चे हैं। एस की सेल बताएं, 7992। खर्चे कॉस्ट ऑफ सेल 4896। 1272। अदर इनकम 36। खर्चे टैक्स एक्सपेंस माइनस 5 76। 1284। सवाल में डिविडेंड नहीं है। क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग यानी 31/12/2017 की निकाल लें। यकम जनवरी 17 की, जरा देखिएगा, जरा देखिएगा, जकम जनवरी 17 की क्वेश्चन में अवेलेबल थी और क्लोजिंग मैंने कैसे निकाल ली? बैलेंसिंग। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में प्रॉफिट डालें 9, 8, 2, 3, 1, 6। इसे कहते हैं सवाल शुरू करने से पहले तैयारी करना। ये सवाल का डाटा हुआ करेगा वर्किंग 6। पहला सफा पी एंड एल के लिए छोड़ दिया, दूसरा सफा आपने बैलेंस शीट के लिए छोड़ दिया। वर्किंग 1, 2, 3, 4 आपके तीसरे सफे पे आ जाएगी। वर्किंग 5 आपके चौथे सफे में पहली 4-5 लाइनों में आ जाएगी। तो वर्किंग 6 आप नोट कर लें चौथे सफे पे जाके 5 लाइनों के बाद। ये क्या बनाया है मैंने? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम। कुछ समझ आई बात? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम। शेयर कैपिटल के कॉलम की मुझे जरूरत नहीं है। है अदर इंफॉर्मेशन में डिविडेंड?
जी इंशाल्लाह इसको मैं टेकअप करूंगा, डिविडेंड है लेकिन इसको मैं इंशाल्लाह टेकअप कर लूंगा। डिविडेंड के ऊपर इंशाल्लाह 25 से 30 मिनट बात करूंगा, इधर डिविडेंड आने या नहीं आना, कोई सवाल ना पूछें इस बारे में, तकरीबन 25 से 30 मिनट बात करूंगा इस पर डिविडेंड आने या नहीं आना। आज और कल मिला के कोई आधा पौना घंटा बात होगी यहां डिविडेंड आने या नहीं आना। इधर इसलिए मैंने हल्की से छोड़ी है, आपने नहीं भी छोड़ी तो कोई मसला नहीं, एक चीज यहां मैं लिखवा दूंगा आपको। ओके पेपर में आया करेंगे जी पी एंड एल एंड बैलेंस शीट के मिक्स क्वेश्चन, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रिपेयर किया करेंगे वर्किंग सिक्स, इसमें हम कौन सा कॉलम बनाया करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम बनाया करेंगे। लेकिन ये जो वर्किंग सिक्स करेंगे ये होगी एज पर अकाउंटेंट, क्या मतलब, इसमें कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह करेंगे कंसोलिडेशन की, या जो अकाउंटेंट ने हमें डेटा दिया हुआ है उसी की बुनियाद पे कर देंगे, जो अकाउंटेंट के डेटा के बुनियाद पे हम करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। पेपर में जब पीएनएल बैलेंस शीट का मिक्स क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम प्रिपेयर किया करेंगे वर्किंग सिक्स, और वर्किंग सिक्स में कौन सा कॉलम बनाया करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम बनाया करेंगे, पी का भी और एस का भी। इसके बाद हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, क्या करके, डबल एंट्रीज करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाया करेंगे। इसमें हम किया करेंगे वर्किंग 1, 2, 3 और 4, इसमें हम चार वर्किंग्स किया करेंगे डबल एंट्रीज करके, हर फिगर की डबल एंट्री करेंगे। इसके बाद हम बनाया करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, जब बैलेंस शीट टैली हो जाएगी फिर हम बनाया करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। लेकिन ये हम करेंगे सिंगल एंट्री के जरिए, हम डबल एंट्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस शीट बन चुकी हुई है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट, तो अगर पी एंड एल बना रहे हैं तो खाली सेल बुक कर दें, बस कोई मसला नहीं, और अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं तो डेटर भी डेबिट करें, रिटेन अर्निंग को भी बढ़ाएं। लिसन अगेन व्हाट आई हैव सेड। एक और एंट्री ले मिसाल के तौर पे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को सीआर या एसआर में डेबिट कर दें और एसेट को पीपीई के मुंह पे क्रेडिट कर दें, अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं। लेकिन अगर पीएनएल बना रहे हैं तो सिंगल एंट्री प्रोसेस चलें, क्योंकि बैलेंस शीट आपकी बन चुकी है तो सिंगल एंट्री प्रोसेस चलें। ये कोई फाइनल अकाउंट टाइप सवाल नहीं होगा, फाइनल अकाउंट के सवाल आप लोगों ने शायद किए हो एफ आर वन में, डेटर डेबिट हो रहा होता था पीएनएल के मुंह पे सेल क्रेडिट हो रही होती थी, इस तरह नहीं लेके चलना आपने सवालों को। आपने पहले क्या बना देनी है, जब बैलेंस शीट बन के आप फारिग हो जाएगी तो आपको आदत पड़ी हुई, बैलेंस शीट बन के फारिग हो जाएगी तो फिर क्या बनाना है, पीएनएल। अब मैंने आपको मिसाल दी है डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में फर्क क्या है, अगर एक एंट्री है डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, तो बैलेंस शीट बनाते हुए डबल एंट्री पोस्ट करें, सीआरई एसआरई को वर्किंग जो भी 2 और 3 है उसमें रिकॉर्ड करें और पीपी के मुंह पे क्रेडिट करें, बस डबल एंट्री पूरी होगी। लेकिन जब आप पीएनएल बना रहे होंगे आप दोबारा डबल एंट्री करने की जरूरत नहीं, क्यों, आप सिंगल एंट्री पर कर दें डेप्रिसिएशन डेबिट, तो पीएनएल में जाके एक्सपेंसेस में क्या डाल दें, डेप्रिसिएशन। तो इंशाल्लाह बनाएंगे आज, इसमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, वर्किंग टू सब्सिडरी की एज ऑन अर्निंग्स को छेड़ती है, एक वर्किंग करनी पड़ेगी वर्किंग 5 वो सब्सिडरी के प्रॉफिट्स फॉर द ईयर में, और वही एंट्रीज होनी है जो वर्किंग 2 में होनी है। वर्किंग आप 5 दोबारा क्यों करनी पड़ी है, क्योंकि हम स्क्रैच से दोबारा सवाल सॉल्व कर रहे हैं, पीएनएल के लिए हम नए सिरे से सवाल किया करेंगे, बैलेंस शीट वाला सवाल खत्म हो जाएगा। और वर्किंग 2 और 5 एडजस्टी होंगी, वर्किंग 2 में एज ऑन टाइप एडजस्टमेंट्स होंगी सब्सिडरी के प्रॉफिट्स में, और इसमें फॉर द ईयर टाइप एडजस्टमेंट्स होंगी, तो दिस विल बी आवर अप्रोच। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वर्किंग 6 जब कर रहे होंगे तो वर्किंग 6 इतना सॉल्व करनी है जिस तरह के किसने सॉल्व की है, अकाउंटेंट ने, यानी कोई एडजस्टमेंट आपने नहीं करनी, अनएडजस्टेड फिगर। देखिए अभी सवाल में मैंने एडजस्टमेंट पड़ी भी नहीं थी लेकिन मैंने वर्किंग 6 कर दी। वर्किंग 6 का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वर्किंग 6 का ऑब्जेक्टिव होगा कभी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग मिसिंग होगी, कभी ओपनिंग रिटेन अर्निंग मिसिंग होगी, उसको हमें निकालना होगा। अच्छा, अब सवाल के अंदर प्रिकॉशन क्या होगी, प्रिकॉशन इफ ओपनिंग आर इज गिवन तो आई नीड एट स्टेप 2 क्लोजिंग आर ई, व्हाट शुड आई डू इफ ओपनिंग आर इज गिवन
आई नीड एट स्टेप टू, क्लोजिंग आ रही, तो क्या करूं? डू 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 डू, हाँ डू वर्किंग सेस, इससे फायदा क्या हो जाएगा? क्लोजिंग आ रही मेरी, जब क्लोजिंग आ रही मेरी निकल आएगी तो मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इसलिए मैंने वर्किंग किया है। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर्म में की जरूरत बनाने की जरूरत है, या प्लस माइनस करके भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल सकता है, प्लस माइनस करके भी प्रॉफिट। तो प्रिक्वेश्चन ये है कि इफ ओपनिंग आ रही इज गिवन, आई नीड एट स्टेप टू क्लोजिंग आ रही। अगर किसी को याद नहीं आ रहा मुझे क्यों क्लोजिंग आ रही चाहिए, तो याद करें वर्किंग टू में क्लोजिंग आ रही होती थी और वर्किंग थ्री में भी क्लोजिंग आ रही होती थी, जो बैलेंस शीट के मुंह से उठाते थे, तो वो दो फिगर्स के बगैर मेरा बैलेंस शीट का सवाल ही नहीं सॉल्व हो सकता। सो आई नीड क्लोजिंग आ रही। अब जरा ट्रायल पे नजर मारें, कौन सी आ रही गिवन है? अब जो लेट आए उनको बात समझ आ गई, कौन सी आ रही गिवन है? ओपनिंग। और इस साल के प्रॉफिट्स का डाटा अलग से अवेलेबल है, तो अगर मैं ओपनिंग आ रही में इस साल के प्रॉफिट्स डाल दूं, तो अगर मैं ओपनिंग आ रही में इस साल के प्रॉफिट डाल दूं, तो कौन सी आ रही आ जाएगी? क्लोजिंग आ रही। डन। अब जी ये नोट कर लें, पहले वर्किंग सिक्स करेंगे पेपर में, फिर वन टू थ्री फोर और फिर फाइव। If opening RE is given, I need at step 2 closing RE. So do working 6. चलो निगोशिएशन खत्म करो यार, दे दो उसको। तुमने ये ना फटा ना लिया करो, यहाँ से कोई कहे ऐसे करो ऐसे कर दिया करो, वैसे करो वैसे कर दिया करो, अपने आप को मिटा दो यार, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अपने आप को मिटा दो। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। एक 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 हो गए हैं भाईजान। हाँ हिम्मत कैसे होती है छुट्टी करने की? यानी बाहर निकले, बारिश देखी, यूटर्न ले लिया। यूटर्न की तो सबको आदत पड़ गई अब। ट्राई करूं कभी छुट्टी करने की, नहीं मसला। अच्छा अच्छा मोहतरम, तो चुप 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 चुप। अब आप मुझे बता दें कि सवाल को पेपर में बदलना नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए मैं बदल रहा हूं। 31/12/17 की आरी मेरी आ गई है, 31/12/17 की मुझे आरी बता दें कितनी? 2 3। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लोजिंग आरीज आ गई हैं। अब आप फील करें, आपको बैलेंस शीट नजर आएगी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, करंट लाइबिलिटीज, पीपी, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट एसेट्स, ये बैलेंस शीट है। और इसके नीचे ये क्या है? एडजस्टमेंट्स है। तो कोशिश करता हूँ मैं 20 मिनट में आज बैलेंस शीट का सवाल टैली हो जाए, क्योंकि बैलेंस शीट के सवाल में तो वही घिसी पिटी एडजस्टमेंट्स आई हुई है, इनको तो करने की आपको आदत पड़ी हुई है। जल्दी से बैलेंस शीट का फेस बना दें जी सवाल में। ये अगर चीजें सवाल में ना आती तो हम प्रॉफिट ना निकाल पाते, तो इन चीजों ने फिलहाल प्रॉफिट निकालने में हेल्प की है। थोड़ी देर बाद ये चीजें हेल्प करेंगी सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट सॉल्व करने में, जो असल में पहली है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो फिलहाल हमने इनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद उसी टिश्यू पेपर को हम उठाएंगे। अच्छा जी, पेरेंट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड 31/12/17। भाई उस क्लास से कोई साहब बैठे हैं तो ब्लैक मार्कर चाहिए मुझे, तो रहने दे रहने दे रहने दे जी। ये पहले सफे पे बन जाएगी भैया, ये पहले सफे पे बन जाएगी, दूसरे सफे पे आपके रजिस्टर की क्या बनेगी? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन 31/12/17। इसके बाद हमारी मशहूर जमाना वर्किंग 1 2 3 4 5 आ जाएगी। चले जी, शेयर कैपिटल 7440 और 3200, शेयर कैपिटल 7
डबल फोर जीरो बत्ती दफा सो ट्राई टू बी इन क्लास एंड प्लीज फॉलो द इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी न्यूट्रलिटी प्रोफेशनल बिहेवियर. आई एम फीलिंग यू आर फीलिंग इंटिमिडिएशन थ्रेट. ओके सो इफ आई गिव सम इंसेंटिव यू विल ऑल्सो फील सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. एनसीए में तो दो लाइनें ही होती हैं एनसीए के लिए क्या जगह छोड़नी. चलें जी शेयर कैपिटल 3200 शेयर प्रीमियम 2864 644. अच्छा जी रिटेन्ड अर्निंग जरा सोच के बताएं क्लोजिंग चाहिए होती है या ओपनिंग चाहिए होती है. क्लोजिंग क्यों बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग होती थी ना तो ये मैं यहां से नहीं उठा रहा असल में ना मुझे ये यहां से अवेलेबल है ये 6898 मैंने निकाली है मेहनत करके निकाली है सुबह से लगाऊ मैं 6898 और 2316 PRE 6898 और SRE 2316 ये दोनों फिगर्स के साथ लिख लें वर्किंग सिक्स. ये फिगर भी वर्किंग सिक्स से आई है ये फिगर भी वर्किंग सिक्स से आई है आप घर से आए हैं. बड़ी ईद पे कितने लोग घर नहीं जा रहे आउट स्टेशन वाले कमाल कमाल पढ़ पढ़ के लोड मचा देंगे तू लोड में रहता है हमें कर रहे हैं. करंट लाइबिलिटीज 1426 1302 अच्छा 1426 1302 आगे क्या रहे पीपी 10,000 3500 आगे क्या आ रहे हैं इनटेंजिबल्स 830 368 आगे क्या आ रहे हैं करंट एसेट्स जी 4535 3594 मुझे किस तरह पैसे पॉजिटिव गुडविल आएगी. कमाल सवाल पूछे भाई ने मुझे किस तरह पैसे पॉजिटिव गुडविल आएगी थोड़ी देर बाद मैं इसको ऐसे करके काट दूंगा. कैसा लगा जवाब हीरो. अच्छा जी और भी है ब्लैक मार्कर तो कुआं है पूरा माशाल्लाह निकाल नहीं ब्लू है भाई एक ब्लैक मार्कर और ला दें. चलें यार एडजस्टमेंट्स करते हैं जल्दी जल्दी फारक करें. इन्वेस्टमेंट्स कितनी थी इन्वेस्टमेंट्स तो बताई नहीं आपने 3200 इन्वेस्टमेंट्स हो सकते पेपर में 3200 लिख लूं गलती से लेकिन इन्वेस्टमेंट्स में जरा पॉइंट वन पढ़ना पड़ेगा आपको. पेरेंट ने एक्वायर किए 192 मिलियन शेयर्स ऑफ SL पहले तो परसेंटेज देख लेना कितनी है 3200 है ना तो शेयर की मुंह पे वैल्यू कितनी है 10 तो 3200 डिवाइड बाय 10 कैलकुलेटर के बगैर 320 मिलियन तो 192 को पकड़े और 300 पे डिवाइड करें कितने परसेंट 60% लिख लें 192 डिवाइड बाय 320 यार ये क्या चक्कर है पेरेंट एक्वायर्ड अभी अबू बकर को पढ़ा दो पेरेंट एक्वायर्ड 192 मिलियन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी एट 13 पर शेयर ये 13 पर शेयर हमने किसको पे किए होंगे सऊदी किंग को पे किए होंगे. हमने उसे कहा होगा भाई जान आप ब्रीफ केस में क्या लाए हैं उसने कहा होगा ब्रीफ केस में मैं जो है वो छोटे छोटे मेंढक लाया हूं उन्होंने डरा रहे हैं ब्रीफ केस में आप क्या लाए हैं कहते हैं ब्रीफ केस में मैं सब्सिडरी के शेयर्स लाया हूं. कितने शेयर्स लाए आप 192 एक कितने का बेचेंगे हमें उसने कहा 13 रुपए का बेचूंगा. इस तरह एक दफा होमवर्क में एडजस्टमेंट दी हुई थी कितना 24 अब मैं क्या करूं 2496 में मैंने सब्सिडरी को खरीदा और मेरी इन्वेस्टमेंट्स 3200 आ रही हैं. अब बाकी कोई अदर इन्वेस्टमेंट्स होंगी मेरी तो अब आपकी क्या है अगर 2496 में मैंने सब्सिडरी को खरीदा है और सवाल कह रहे हैं मैंने 3200 की इन्वेस्टमेंट्स की हुई है तो प्रोबेबली मेरी कोई और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो इसको मेरे ख्याल से हम ऐसे शो करते थे
यहां पर हम इन्वेस्टमेंट्स लिख देते थे, अल्लाह करे अब नेगेटिव ही आए गुडविल। अच्छा यहां पे हम इन्वेस्टमेंट्स लिख देते थे कितनी 3200 और माइनस 2496, ये कहां चला गया जी वर्किंग वन में। पेपर में शो कर दीजिएगा, घर वाले तो शो करने नहीं देते, पेपर में आप शो कर दीजिएगा। 192 इंटू रुपीज 13, 2496, दीज आर इन्वेस्टमेंट्स। ओके चले आगे। बी एल मैयस एन से आई एट फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द मार्केट प्राइस ऑफ द एस एल शेयर वॉज 11 पर शेयर। अच्छा ये एक दफा हमने आपसे बात की थी कि हमें 13 रुपए का मिला शेयर, वैसे बाजार में शेयर 11 रुपए का मिल रहा है, इस वजह से कि हम बाजार से शेयर खरीद नहीं सकते। बाजार से शेयर तो वो खरीदेगा जिसने थोड़े शेयर खरीदे हो, हम तो 60% शेयर खरीदना चाहते हैं, तो उसने हमें सऊदी किंग ने महंगे बेचे हैं। बहरहाल ये डिस्कशन को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है और उसकी फेयर वैल्यू 11 रुपए है, तो ये कैलकुलेशन आप इधर ही कर दिया करें, आप बड़े हो गए। एनसीआई की फेयर वैल्यू, अच्छा टोटल शेयर्स कितने हैं सब्सिडरी के, 320 शेयर हैं, उसमें से हमारे पास कितने हैं, तो इमरान खान के पास तो थोड़े होंगे ना, कितने बने 128, मुंह हिलाया तो पता चले आप क्लास के आए हैं। इमरान खान के पास कितने शेयर्स हैं 128 मिलियन शेयर्स इनटू रुपीस 11 1408 एंट्री वो जो सर ठीक है मर्जी आप लोगों की 1408। चले 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 जल्दी टाइम जाया करें, यहां तक नोट कर लिया मेहरबानी आपकी। अच्छा करें करें यहां तक नोट सारे कर लें। ओके चले आगे। ऑन एक्विजिशन डेट्स, एक्विजिशन डेट कब है, साल का पहला दिन। ऑन एक्विजिशन डेट्स कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स नेट एसेट्स वाज इक्वल टू द फेयर वैल्यू। शुक्र है अगली लाइन पढ़े पॉइंट फोर। अच्छा एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट एन इनटैंगिबल यानी ब्रांड जिसकी मार्केट में वैल्यू 40 है लेकिन उसकी बीवी 25 है, 15 का सरप्लस आ रहा है और उसकी रिमेनिंग लाइफ 5 साल है। अब आप मुझे बता दें ये क्या चक्कर है, ब्रांड तो सब्सिडरी की किताबों में आना ही नहीं चाहिए था, ये क्यों आ रहा है, 25 मिलियन वाला ब्रांड सब्सिडरी की किताबों में क्यों आ रहा है, 25 मिलियन वाला ब्रांड सब्सिडरी की किताबों में क्यों आ रहा है, 25 मिलियन वाला ब्रांड सब्सिडरी की किताबों में क्यों आ रहा है, 25 मिलियन वाला ब्रांड, हाँ बस बस बस, सब्सिडरी अगर ब्रांड मैस्थेट पब्लिशिंग टाइटल कस्टमर लिस्ट को खुद बनाए तो इनकी बीवी हमेशा जीरो होगी, फेयर वैल्यू सवाल में गिवन होगी, उसको डिफरेंस लेके, सॉरी फेयर वैल्यू सवाल में गिवन होगी उसको डिफरेंस लेके हम सरप्लस निकाल लेंगे। लेकिन अगर सब्सिडरी ये चार चीजें बनी बनाई खरीद ले तो उसकी बुक वैल्यू पेपर में गिवन होगी, उसे उसकी मार्केट वैल्यू से कंपेयर करने और फिर आपने सरप्लस निकालना है। तो अब बीवी और फेयर वैल्यू दोनों क्यों गिवन है, प्रोबेबली ब्रांड कौन सा वाला होगा, परचेज्ड वाला होगा, ये थ्योरी टाइम लग जाएगा जान से जी। आ जाओ भाई जी, भाईजन बीवी कितनी 25 और फेयर वैल्यू 40, एंट्रीज बताएं। अभी मैं बैलेंस शीट के एंगल से एंट्रीज पूछ रहा हूं, ब्रांड डेबिट ना ना भाईजन, अब हम उधर जाके एंट्रियां नहीं किया करेंगे, हम बस इधर डायरेक्ट डायरेक्ट सोच लिया करेंगे। ये वर्किंग वन में ना प्री वाली फिगर्स जाती हैं, प्री यानी वर्किंग वन में कितना 15, एसेट बढ़ने से अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन बढ़ने की एंट्री, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और ब्रांड क्रेडिट। 15 को अगर आप डिवाइड करेंगे 5 से तो ये 1 साल की अमोर्टाइजेशन है। हमने खरीदा यकम जनवरी 17 को और 31/12/17 एक्विजिशन डेट और बैलेंस शीट डेट के दरमियान 1 साल का फर्क है, मल्टीप्लाइड बाय 1.3। लेकिन ये ब्रांड किसका है इसलिए इसको ब्रैकेट में लेके, आज मैं काट नहीं रहा क्योंकि मैंने P&L का सवाल भी करना है, पहले मैं काट दिया करता था, आज मैं काट नहीं रहा क्योंकि P&L का सवाल भी करना है। अच्छा ये जो खरीदने के डेट के बाद वाली चीजें होती है ना इन्हें पोस्ट कहते हैं, पोस्ट, पोस्ट वाली चीजें तो एसआरई में जाती हैं और प्री वाली चीजें वर्किंग वन में जाती हैं। ये एंट्री में छूरे से माना है पुरानी वाली, पोस्ट कराने जल्दी से। ब्रांड डेबिट, ब्रांड डेबिट कितने से 15 से, ब्रांड डेबिट
और रिवेल्यूशन सरप्लस इन वर्किंग, लेकिन व्हाट एग्जामिनर विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप इसको बताएं ये 15 कैसे आया। इसलिए ना यहां पे लिख दें 40 माइनस, क्योंकि आप और कोई वर्किंग तो कर नहीं रहे, वो तो मैंने जो जनरल एंट्रीज की है आपके समझाने के लिए किए, कितना आ गया 15। इस तरह एग्जामिनर को तसल्ली हो जाएगी कि आप वर्किंग 1, 2, 3, 4 के अंदर ही रहे हैं, ज्यादा वर्किंग आपने नहीं खोली। और दूसरी एंट्री बता दें, डेप्रिसिएशन डेबिट और ब्रांड क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट और ब्रांड क्रेडिट, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ये भी आपने यही निकालना है। 15 डिवाइडेड बाय 5 × 1 साल, इसकी भी आपने वर्किंग नहीं करनी, यही कर दिया करने 15 डिवाइड, प्री की जगह नहीं छोड़ी, प्री की जगह नहीं छोड़ी, हद होती है वैसे, प्री की जगह नहीं छोड़ी। टिश्यू पेपर उसको दिखा दो दूर से। अमोर्टाइजेशन, ये हर वक्त फैसलाबादी मूड में क्यों होते हैं आप लोग, 3 और 3 अमोर्टाइजेशन, कौन कौन फैसलाबादी, ओके चलें जी आगे चलें, ट्राई टू बी प्रोफेशनल। आपस की ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोस, एस टू पी 60 10, वर्किंग नंबर 8, वर्किंग 7 की बुकिंग हुई भी है वो इंशाल्लाह किसी दिन हम करेंगे, वर्किंग नंबर 8 एस टू पी सोल्ड, कितने की चीजें बेची, पेरेंट के स्टॉक में कितनी पड़ी हुई है 10, सोल्ड कितनी 60, अनसोल्ड 10, अनसोल्ड का प्रॉफिट, अनसोल्ड का प्रॉफिट 10 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, सेल पर ये मार्जिन होता है तो सेल पर 20% प्रॉफिट, तो इसका मतलब है कॉस्ट 80, तो 10 डिवाइडेड बाय, ये हमेशा सेल पे पड़ा होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, मार्कर मार्कर ले आओ, आप सारे अच्छे बच्चे हैं, पता नहीं कभी छुट्टी क्यों कर लेते हैं। अच्छा, आप बैलेंस शीट बनाते हुए इसको इग्नोर करना है, इसको भी इग्नोर करना है, और इस 2 रुपए की एंट्री करनी है एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट, तो एस टू पी एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट। अभी हम डबल एंट्रीज कर रहे हैं, जब पी एंड एल बनाएंगे तब हम सिंगल एंट्री से चलेंगे। एसएल ने अनाउंस किया डिविडेंड 1.5 रुपए, 1.5 रुपए। जब बिजनेस शुरू हुआ था तो शेयर होल्डर घर से कितने रुपए लाया था, 10 रुपए, 10 रुपए वाले को 1.5 रुपए डिविडेंड मिलेगा, तो 10 रुपए वाले को 1.5 रुपए डिविडेंड मिलेगा, सॉरी 100 से इसलिए मल्टीप्लाई कराऊं कि परसेंटेज में आ जाए, तो 15% डिविडेंड का रेट है पर शेयर एट 15%, 1.5 रुपए डिवाइड, एक दफा निकालना सिखाया था आपको, एक दफा 1.5 डिवाइडेड बाय 10 × 100, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। एसएल डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड, किसने डिक्लेयर किया इंटरिम डिविडेंड, एसएल ने। यार क्या है ये, किसी दिन बैग मुझे दिखाना जो चीज हमें, और क्या क्या अंदर। अच्छा, एसएल डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड इन दिसंबर, ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर करता है क्या वो उसी साल आता है, जी बिल्कुल उसी साल आता है। अच्छा, इट हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर बाय पेरेंट एंड इट हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर बाय सब्सिडरी। अच्छा, आज के बाद ना हम डिविडेंड को 3 तरह से देखा करेंगे। एक दफा हम डिविडेंड को देखा करेंगे वर्किंग 6 के एंगल से,
ये मैं पहली दफा दिखाऊंगा आपको। एक दफा हम डिविडेंड को देखा करेंगे बैलेंस शीट के एंगल से। उसमें ना पांच सिनेरियोज हमने पढ़े थे क्वेश्चन 12 के अंदर, पांच सिनेरियोज पढ़े थे क्वेश्चन 12 के अंदर। इस तरह भी डिविडेंड को देखेंगे, और तीसरा हम डिविडेंड को देखेंगे जिस वक्त हमने पी एंड एल बनाना होगा। तो डिविडेंड की एडजस्टमेंट को तीन एंगल से देखा करेंगे, वर्किंग सिक्स के एंगल से भी, बैलेंस शीट के एंगल से भी, और पी एंड एल के एंगल से भी। वर्किंग सिक्स के एंगल से मैं डिविडेंड को पहली दफा देखने लगा हूं। वर्किंग सिक्स कहती है मेरे में वो फिगर्स शो करो जो कि अकाउंटेंट वाली हैं, मेरे में वो फिगर्स शो करो जो अकाउंटेंट वाली हैं। अकाउंटेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड, अकाउंटेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड। तो मुझे पता है कि यहां इंटरिम डिविडेंड 17 का आता है, लेकिन अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं अभी गलत फिगर से ही खेल रहा हूं। तो अकाउंटेंट की गलती सही करने की कोशिश ना कीजिएगा वर्किंग सिक्स में लाके। वर्किंग सिक्स में आपने कोई गलती सही नहीं करनी। ये जो गलतियां हमने सही की भी हैं ना, अमोर्टाइजेशन वगैरह की, ये इधर आके तो हमने सही नहीं की। इन प्रॉफिट्स को तो हमने नहीं छेड़ा ना, प्रॉफिट्स में कोई गलती सही करनी है ना, डिविडेंड में अगर गलती हो गई है वो सही करनी है। मुझे पता है कि यहां पर इंटरिम डिविडेंड आता है 2017 का, लेकिन मैं ये लिख कर काट देता हूं क्योंकि मेरे अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये क्लोजिंग आरिज गलत है। अब मैं डिविडेंड को बैलेंस शीट के मुंह पे रिकॉर्ड कर देता हूं, इंशाल्लाह मेरे अकाउंटेंट की गलती सही हो जाएगी, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो गलती अकाउंटेंट से होगी हमारे, वो मैं इंशाल्लाह भी आपको सही करके दिखा लेता हूं, लेकिन मैं बैलेंस शीट के मुंह पर सही करूंगा। ये जो वर्किंग सिक्स है ये हमेशा आपने बनानी है एज पर अकाउंटेंट ने सेल गलत रिकॉर्ड की हुई है, गलत शो कर दें यहां पे। ओ भाई जान, प्रॉफिट जो सही वाले आएंगे या जो क्लोजिंग आ रही सही वाली आ रही है, ये जो क्लोजिंग आ रही है 6, 8, 9, 8, 2, 3, 1, 6, ये जो 6, 8, 9, 8, 2, 3, 1, 6 है, यहां गलतियां सही करें हम, बजाय के इस वर्किंग सिक्स में लाके गलतियां सही करने लगे। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग सिक्स? ओनली टू कैलकुलेट द मिसिंग फिगर्स विच आर नॉट गिवन इन क्वेश्चन। एक दो दिनों बाद एक ऐसा सवाल आएगा जिसमें वर्किंग सिक्स सवाल में गिवन होगी, और सवाल अच्छा होता भी वो है जिसमें वर्किंग सिक्स ऑलरेडी गिवन हो, कंटेंट वाली वर्किंग हमें दे दे, ऐसे ही स्यापा करके सवाल को फैला दिया था हमने। तो बस आखिरी रिमार्क्स मेरे, वर्किंग सिक्स अकाउंटेंट वाली बनानी है। अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया डिविडेंड, तो आप वर्किंग सिक्स में आपको शो करने की जरूरत नहीं। आप क्लोजिंग आरी में मुझे पता है मसले हैं काफी, सेल्स में मसले हैं, खर्चों में मसले हैं, अमोर्टाइजेशन वगैरह अभी हमने सही की है, आपस के प्रॉफिट रिवर्स किए हैं, वो यहां के तो रिवर्स नहीं किए, वो हमने अलग से रिवर्स किए हैं। इन फिगर्स को बुला लें, इन फिगर्स को बुला के इनको यहां पोस्ट कर दें 6, 8, 9, 8 को, जो भी अकाउंटेंट ने ब्लंडर मारे हैं वो बाद में सही करेंगे हम। इसलिए मैंने डिविडेंड यहां शो नहीं किया रूल नंबर 1 की वजह से। ये तो हो गया वर्किंग सिक्स के एंगल से। अब डिविडेंड को सोचें बैलेंस शीट बनाने के एंगल से, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के एंगल से मैं डिविडेंड को अगर सोचूं तो मुझे फिर क्वेश्चन 12 पे आना पड़ेगा। क्वेश्चन 12 मुझे कहता है कि डिविडेंड पांच तरीके से टेस्ट हो सकता है। क्वेश्चन 12 कहता है डिविडेंड पांच तरीके से टेस्ट हो सकता है। उसमें पहला तरीका यह था ट्रांजेक्शन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय बोथ। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने जो सब्सिडरी थी उसके लिए पूरा डिविडेंड रिकॉर्ड किया था शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगा के, और जो पेरेंट था उसको जब अपना हिस्सा ज्यादा वाला मिला था उसका डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट करके रिकॉर्ड किया था, और इन द एंड कंसोलिडेशन एंट्री की थी। तो वो जो अकाउंटेंट भूल गया है वो इंशाल्लाह मैं सही कर लेता हूं, बट वर्किंग सिक्स में जाके या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के मुंह पे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के मुंह पे अगर वर्किंग सिक्स में मैंने कर लिया तो फिर उधर जाके सही करने का फायदा क्या होगा दोबारा, तो इसलिए वर्किंग सिक्स में मैंने शो नहीं किया था। तो अल्लाह का शुक्र है ये पहली वाली एडजस्टमेंट आसान सी, तो इसको मुझे पोस्ट करवा दें, ये सामने रख के मुझे एंट्रीज करवा दें अगर आपको भूली हुई है। वर्किंग नाइन इधर ही मैं कर लेता हूं। वर्किंग नाइन इससे मिलती जुलती, वर्किंग नाइन सबसे पहले एस की बुक्स में मुझे बताएं, मैंने डिविडेंड अनाउंस करना है एस की बुक्स में अनाउंस करने की एंट्री होनी है, और पी की बुक्स में एक्सेलेंट अर्न करने की एंट्री होनी है, और इन द एंड एक एंट्री होनी है फॉर पर्पस ऑफ कैंसलेशन। पहली एंट्री फुल डिविडेंड से होगी, पी को फिर अपना हिस्सा मिलेगा, और कैंसलेशन फिर मैं आपको बता दूंगा किससे होगी। ऊपर ऊपर मत देखें, एस जो अनाउंस करेगा डिविडेंड
ये फिगर जरा पहले निकाल लें। एस का शेयर कैपिटल सवाल में जाएं 3200, 3200 का 15% 480। ये जो जनरल एंट्री मैं करूंगा कितने रुपए से करूंगा, मैंने डेबिट क्रेडिट पोस्ट कर दी है, अभी अमाउंट लिख देता हूं। लेकिन यार ये ना साथ ही ये फिगर भी निकाल दें, 480 में से वो जो कागज मैंने फाड़ा है हमें कितना मिलेगा, 480 में से हमें मिलेगा 480 into 60%, कितना 288। तो आपस का रिसीवेबल कितना बुक होगा, तो आपस का रिसीवेबल कैंसिल भी कितना होगा 288। अब आप मुझे बता दें सब्सिडरी ने जो पूरा सफा पकड़ा था उसको बांटने की एंट्री, डिविडेंड डेबिट और पेएबल क्रेडिट, कौन बांट रहे हैं, सब्सिडरी एसआरई डेबिट। ये मेरी पहली एंट्री होगी। सबर सबर, दूसरी एंट्री, जिसको सफा मिला उसे पूरा सफा मिला या थोड़ा सा हिस्सा, रिसीवेबल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, लेकिन कौन इनकम बुक करने लगे, पेरेंट, तो क्या क्रेडिट, सीआरई। आपस का रिसीवेबल उल्टाया है या रिकॉर्ड कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया। आपस का पेबल उल्टाया है या रिकॉर्ड कर लिया है, उल्टा दें, पेबल डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से 288। चलें वर्किंग 9 कर लें, ये बिल्कुल इसी जैसी वर्किंग है, देख लें मैं, एसआरई डेबिट पेबल क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, पेबल डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। हाँ जी, अच्छा अच्छा, ये क्या किया करेंगे, ये तीन एंट्रीज किया करेंगे या ये भी सोच के कर दिया करेंगे यार, इसमें कोई तीन एंट्री टी की बुक्स में, अब मैं आपको जबानी करवाने की कोशिश करता हूँ सवाल के फेस पे जाके, ताकि आप ये भी एंट्रीज किए बगैर पेपर में कर सकें। कर ली एंट्रीज नोट, वर्किंग फिर शो नहीं करानी है, वर्किंग पेपर में शो नहीं करानी, वर्किंग 9 नॉट एट ऑल, तो टाइम जाया होगा सारा, अगले सवाल भी करने होते हैं, टाइम पे घर भी आना होता है, डांट पड़ेगी, लेट हो गया, पेपर देके क्या कर रहे थे, नहीं आखिरी पेपर तो नहीं होता है फटू का, पहला पेपर है। अच्छा जी, एसआरई डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, डिविडेंड बांटने वाला या बांटने वाला या अर्न करने वाला, बांटने वाला, बांटने वाला, डिविडेंड डेबिट। अच्छा पेपर में अब मैं कह रहा हूं वर्किंग नहीं करनी, ना करें, शेयर कैपिटल कितना 3200 इनटू 15%, ये है अनाउंस करने वाला कितना 480, एसआरई डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट, पेएबल बुक कर लिया हमने। अगली एंट्री बोले रिसीवेबल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट कितने से, रिसीवेबल डेबिट, और इधर आपने डिविडेंड इनकम या डिविडेंड अनाउंस, ये अर्न किया आपने, कैसे आएगा 480 का, अगर आप ये साथ साथ लगा रहे हैं 3200 का 15% और 480 का 60%, तो फिर क्या आपको पेपर के अंदर वर्किंग 9 की जरूरत पड़ेगी, नहीं, आप जबानी एंट्री सोचते रहेंगे, एंट्री जहन में भी तो करते ही हैं, तो जहन में करके पोस्ट करते रहे, रिसीवेबल डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट जी 288। चलिए इधर देखें जरा सारे, इसने बांटना रिकॉर्ड कर लिया, अर्निंग कम करके पेबल बढ़ा दिया, और इसने मिलने का हक रिकॉर्ड कर लिया, अब क्या करना है, सिर्फ कैंसलेशन करना है, कैंसलेशन करवा दें, कैंसलेशन लोअर वाली फिगर से हुआ करेगी, याद रख लें बस, कैंसलेशन लोअर वाली फिगर से हुआ करेगी, छोटी फिगर से, यही आपस का रिसीवेबल पेबल है ना, बाकी तो इसमें एनसीए को देना है, माइनस 288, माइनस 288 टोटल्स कर दें, बैलेंस शीट टली हो जाता है, हाँ खत्म हो गया, बताना पड़ता है सवाल खत्म हो गया। हाँ जी, प्री रिटेंड अर्निंग निकालें, बिल्कुल प्री रिटेंड अर्निंग, अल्लाह का शुक्र है सवाल में अवेलेबल है, प्री रिटेंड अर्निंग सवाल में अवेलेबल है, प्री रिटेंड अर्निंग, हिम्मत करें जल्दी बताएं, ये मैं वर्किंग 9 जरा लाके यहां कहीं फेंक दूं। अच्छा अच्छा, शुक्रिया।
जी पीरियड एंड अर्निंग देखें कितनी है। बीएल एक्वायर्ड शेयर ऑफ एसएल वन जकम जनवरी 17, ये देखें इधर, जकम जनवरी 17 वाली तो अवेलेबल थी, मैंने तो मिटा के सवाल करने के लिए 6898 लिख दी थी। जकम जनवरी 17 वाली चाती मारे ना, पी के नीचे चाती नहीं मारनी, आपने एस की रिटेन अर्निंग ढूंढनी है। कितनी है? 1032। चाती मार के इसे फिर दोबारा छुपा दें। अच्छा पी बोले 1032। चलें जी टोटल्स कर, आपको हम डब्बे में ले लें। 4891। गुडविल नेगेटिव आ रही है। अच्छा फिलहाल इसको सीआरई लिख दें, लेकिन ब्रैकेट में ना अदर इनकम लिख दें। फिलहाल सीआरई लिख दें, ब्रैकेट में अदर इनकम लिख दें। कितनी? डबल एंट्री, डबल एंट्री, डबल एंट्री। ये वाला अकाउंट डेबिट और इधर आपकी नेगेटिव गुडविल। कितनी? 987। ये डबल एंट्री होगी। डन। टाइम कितना जाया हो रहा है, बैलेंस शीट का सवाल रिवाइज हो रहा है। ओके चलें, वो आपको भूल ना जाए कहीं। सीआरई एनसीआर 18 × 60%, 1831 × 40%। अच्छा ठीक है, लेकिन हौसला 799। फोर 73 20, 320। 479 और 320। इमरान खान को प्यास लगी हुई है, सब्सिडरी कुछ भेजें। 320। पीटीसीएल को प्यास लगी हुई है, सब्सिडरी कुछ भेजें। 479। टेर इट डाउन। 8652। 1728। होना राम ही। चले जी अब इधर से शुरू करा दे। टू थ्री सिक्स डबल 2920। 236। ये करने के बाद पेपर में हम एक दो सेकंड की ब्रेक लेंगे, हमारी बैलेंस शीट बन गई अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह पढ़ के पेपर में ब्रेक लेंगे और पेपर में बैठे बैठे हाइब्रिड क्लास में जाएंगे। पढ़ाई कर लो यार, पेपर करीब है। लेक्चर ले रहे हैं भाई। कल के दिन सिर्फ 1 घंटे पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा। तीन घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, 0 घंटे पढ़ा। यार खड़े हो, खड़े हो जाओ यार, खड़े हो जाओ। यू स्टैंड अप, यू स्टैंड अप, यू स्टैंड अप, यू 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 प्लीज स्टैंड अप, कीप स्टैंडिंग। क्या मतलब? यानी संडे इज अ फन डे भाईजान। सीए में ना घर में 4 संडे आते हैं महीने में। घर में कितने संडे आते हैं? 4 संडे आते हैं। हर संडे को आपने गले लगाना है। क्या एक क्वेश्चन किया था? किस टाइम, दोपहर को या
शाम को, यानी क्या सुबह 8 बजे से लेके यार कैसे ऐसे यानी पूरा दिन गुजर जाता है ऐसे? क्रिकेट का मैच से था, क्रिकेट का आई कैप का कोई कसूर नहीं, बैठ जाओ। ओके सो जी मोहतरम, वर्किंग सिक्स हो गई हमारी। अकाउंटेंट ने जिस तरह बनाई थी उसी तरह बना दी। अकाउंटेंट ने डिविडेंड रिकॉर्ड किया होता हम शो कर देते वर्किंग सिक्स में, उसने नहीं किया था रिकॉर्ड, हमने भी शो नहीं किया वर्किंग सिक्स में। वर्किंग सिक्स में कोई एडजस्टमेंट करने की इजाजत नहीं है। आप समझ लें वर्किंग सिक्स सवाल का हिस्सा है, सवाल का हिस्सा है। बल्कि अगर मैं खुल के बात करूं, भाई नोट कर रहे हैं, मैं खुल के बात कर नहीं सकता, अगर मैं खुल के बात करूं तो ये P&L टाइप कुछ दिया हुआ है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, अभी भी कुछ लोग नहीं देख रहे। अगर मैं खुल के बात करूं, भाई कभी कभी खुल के बात करता हूं, अगर मैं आ जाओ मैं खुल के बात करने वाला हूं, अगर मैं खुल के बात करूं तो ये P&L दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट दी हुई है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली, और हमने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बना ली। तो ये तीन चीजें सवाल का हिस्सा थी, सेपरेट P&L, सेपरेट बैलेंस शीट एंड सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ओके अच्छा जी, अब आपने क्या बना लिया जी, वर्किंग सिक्स कर लिया, 1, 2, 3, 4 कर लिया, बैलेंस शीट कैसे बनाई है डबल एंट्री से, अब आपने क्या बनाना है P&L। अगर डिडक्शन एक्सपेंस डेबिट करना हुआ तो बस एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे, अगर इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना हुआ तो एक्सपेंसेस में डेबिट कर देंगे बस, अगर डेप्रिसिएशन कम करनी हुई तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे P&L के मुंह के ऊपर। सिंगल एंट्री के तवर से चलना है या डबल एंट्री के तवर से? सिंगल एंट्री के तवर से चलना है। और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक और वर्किंग करनी है, दैट विल बी वर्किंग 5। लेकिन फिलहाल मैं जरा वर्किंग को साइड पे रखने लगा हूं और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मुंह बनाने लगा हूं सिंगल एंट्री अप्रोच के जरिए। लेकिन सिंगल एंट्री तो एडजस्टमेंट्स की होनी है, पहले जरा अनएडजस्टेड फिगर्स देखकर आप इनको मुझे पोस्ट करा दें। ये देखिएगा जरा, मजा आएगा आपको, स्लो मोशन में चलेगा दोबारा। वो छोड़ो बस, अच्छा इसको फिर मैं जवाब दूंगा। अब सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम और टैक्स एक्सपेंस, इन सारे फिगर्स को फेस पे ले जाएं जी। सेल 10, एक तो सवाल में ना फिगर ही अजीब अजीब सी और इतनी ज्यादा और चिचमिच मची, 7992 भी 7000 होता 8000 होता 7992। अच्छा जी आगे चले जी, कॉस्ट ऑफ सेल 6510 48। अच्छा मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है मैंने। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएंगे इसके बाद, अदर इनकम वगैरह है सवाल में है, एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से आ रहे हैं जी बोले 1, 4, 1, 2 इसमें भी एडजस्टमेंट्स करनी है, मैं एक लाइन छोड़ देता हूं। इसके बाद अदर इनकम 36। इसके बाद यहां PBT आ जाएगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां आ जाएगा, यहां GP के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। अच्छा जी टैक्स 576, यहां से आपको कोई 2 मार्क्स तकरीबन मिल जाएंगे क्योंकि हर फिगर के 0.25 आई के अपने मार्क्स रखे होंगे। हाँ यहां पे 2.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ये अनएडजस्टेड फिगर, हाँ ऐसे ही ले लूंगा मैं मार्क, बाकी भी लेने हैं। अच्छा ये अनएडजस्टेड फिगर्स पोस्ट हो गई किसकी? अब ये वो मार्क्स होते हैं जो हर सवाल में ना बड़े इजीली पड़े होते हैं, लेकिन आपकी ये कोशिश होती है कि वो रिकंसिलिएशन IAS 12 की टैली नहीं हो रही, उस पर जरा 15 मिनट दोबारा लगा के देख लेता हूं कोई प्लस माइनस मैंने गलत किया होगा, और ये इजी मार्क्स आप छोड़ देते हैं फिर वो खींच लेते हैं। अच्छा जी ये कौन सी फिगर्स पोस्ट होगी? अनएडजस्टेड फिगर्स पोस्ट होगी, Alt F4। जी मोहतरम किधर है पेज नंबर? 653।
ऑल ऑल ओ इधर एडजस्टमेंट्स को हाथ फेर लें, इन्हें हम पोस्ट करने लगे हैं, आवाज नहीं आ रही। ताकि शक्ति मार लें एडजस्टमेंट सब पी एंड एल के एंगल से। जिस वक्त मैं ये दो एडजस्टमेंट्स पोस्ट करूंगा उसके बाद मेरी मिसाल के तौर पे वर्किंग वन होगी, तो इन दोनों एडजस्टमेंट्स को पोस्ट करके वर्किंग वन होगी तो मुझे आया करेगी अदर इनकम, इसकी एंट्री बना करेगी एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। ये जो अदर इनकम क्रेडिट है इसको सिंगल एंट्री अप्रोच से मैं लेके चलूंगा और अदर इनकम को क्रेडिट कर दूंगा। अब बताएं इनकम बढ़ानी है अदर इनकम क्रेडिट तो प्लस 987। डबल एंट्री की टेंशन नहीं लेनी, हमारी बैलेंस शीट टैली है, डबल एंट्री की टेंशन नहीं लेनी, मैं सिर्फ क्या बना रहा हूं पी एंड एल सिंगल एंट्री प्रोसेस से बनाऊं या डबल एंट्री? सिंगल एंट्री। खुशी अदर इनकम में ऐड होनी चाहिए या माइनस होनी चाहिए? ऐड होनी चाहिए। ये कोई कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट नहीं है जो कैंसिल करनी है, ये तो हमें सब्सिडरी के खरीदने पर खुशी हो रही है जो रिकॉर्ड करनी है, तो अदर इनकम क्रेडिट लें जी। अब इसके शायद आई आपने एक मार्क्स रखा हो या आधा मार्क्स रखा हो, तो यहां पे कैलकुलेशन करने का अलग मार्क्स होगा और यहां पे फेस पिलाने का अलग मार्क्स होगा। तो ये जी हमारी पहली एंट्री होगी। चलें जी आगे चलें। इसको सामने रखकर एसेट डेबिट पी एंड एल छोड़ें, वर्किंग वन छोड़ें, वर्किंग वन तो फाइव का हिस्सा नहीं है ना, वर्किंग वन अलग है। एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, तो इट हैज नथिंग टू डू विद पी एंड एल। और ये ना कहिएगा कि ये कोई ओसीआई टाइप चीज आ गई है और इसको सरप्लस को ओसीआई में डालें। मैंने आपको बताया था ये सरप्लस आरजी तौर पे आते हैं और ये सारे अकाउंट्स कैंसिल हो जाते हैं, कोई अकाउंट फेस पे नजर नहीं आता बैलेंस शीट के, सारे अकाउंट कैंसिल होकर गुडविल छोड़ जाते हैं बस। तो इसलिए ये ना सोचिएगा ये कोई ओसीआई टाइप चीज है। चलें जी ये बैलेंस शीट टाइप चीज है, ये वर्किंग वन में कैंसिलेशन में चली गई, ये पी एंड एल टाइप चीज है और ये बैलेंस शीट टाइप चीज है। आप बता दें मैंने सिर्फ तीनों में से चारों फिगर्स में से सिंगल फिगर उठानी है और उसको एक्सपेंस डेबिट अमोर्टाइजेशन बढ़ाने से एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा एक चीज देख लिया करें क्या ला रहे हैं और कहां पोस्ट कर रहे हैं। अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करने से अर्निंग कम हो गई थी, क्या ला रहे हैं? अमोर्टाइजेशन ला रहा हूं, कहां ला रहे हैं? अर्निंग में, तो अर्निंग तो कम होगी ना। क्या ला रहे हैं? अमोर्टाइजेशन ला रहे हैं, कहां ला रहे हैं? खर्चों में ला रहे हैं, ये तो हमारे ब्रो हैं फिर, तो खर्चों में ला रहे हैं तो अमोर्टाइजेशन का खर्चा डेबिट। और वैसे भी यार इंट्रो की क्लास में डेप्रिसिएशन डेबिट करते थे तो खर्चों में डाल देते थे, तो खर्चों में डाल दिया ना डेबिट। ये ना कहिएगा खर्चा खर्चे में प्लस क्यों हो रहा है, फिर क्लास के बाद प्रिंसिपल रूम में चित्रोल होनी है, खर्चा खर्चे में प्लस क्यों हो रहा है। ओके डन डना डन। अब ये जो एडजस्टमेंट है जिन्होंने सैटरडे की क्लास मिस की है उनके लिए मैं ये एडजस्टमेंट रिवाइज नहीं करवाऊंगा, बस इसका रूल ऑफ थंब बता दूंगा, रूल ऑफ थंब बता दूंगा और आपके लिए भी वही है। किसने बेचा? सब्सिडरी ने, सब्सिडरी ने अपनी सेल में डाल दी होगी ये फिगर और पेरेंट ने अपनी परचेज में डाल दी होगी। इस तरह मैंने कहा था सोचना है आपने, सब्सिडरी ने सेल में डाल दी होगी, पेरेंट ने परचेज में डाल दी होगी। अब मैं ना तस्वीर का दूसरा रुख आपको दिखाने लगा हूं और इस एडजस्टमेंट को पी एंड एल के एंगल से लेकर चलने लगा हूं। अब तस्वीर का दूसरा रुख इधर मैं शो करने लगा हूं। पी एंड एल में से एडजस्टमेंट को कैसे लेके चलना है? सारे चेहरे शरीफ ऊपर देखें, ये जो 60 रुपए हैं इसको क्रॉस नहीं करना, इसे यूज करना है। जैसे जो हजरत सैटरडे को नहीं आए थे, जैसे डेटर क्रेडिटर बैलेंस शीट के मुंह पे कैंसिल करते थे ना, ऐसे इधर सेल परचेज कैंसिल किया करनी है। तो डिडक्ट कर दें सेल से और कॉस्ट ऑफ सेल से, आपस की सेल और परचेज कैंसिल कर दें क्योंकि सेल और परचेज रिकॉर्ड की भी है इन्होंने, तो ये एडजस्टमेंट पोस्ट करें। ये सिंगल एंट्री नहीं है जो दो दफा पोस्ट हो जाएगी उसकी टेंशन ना, क्योंकि ये पी एंड एल के अंदर ही आनी है ना, ये तो डबल एंट्री है ही ऐसी कि दोनों पी एंड एल के आइटम हिट कर रही है। और आपने देखा होगा कई डबल एंट्रीज पी एंड एल में हिट करती थी, जैसे इंट्रो में रिपेयर डेबिट एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट, अब दोनों एंट्रीज ही पी एंड एल के अंदर आ रही है तो मैं क्या करूं, तो ये दोनों एंट्रीज ही पी एंड एल की है। माइनस ओहो एग्जामिनर देख के कहेगा 0.5 कॉस्ट ऑफ सेल भी कम कर दें, सेल भी कम कर दें कॉस्ट ऑफ सेल। ये मैं तस्वीर का दूसरा रुख है, इसे कहते हैं तस्वीर का काला रुख, इसे कहते हैं तस्वीर का नीला रुख।
अब मैं तस्वीर का नीला रुख आपको दिखा रहा हूं। अगला काम, लाल रुख नहीं। अब अगला काम। अब आप मुझे बता दें कि मैं ग्रॉस प्रॉफिट कम करूं और स्टॉक कम करूं या खर्चे बढ़ा दूं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपको मशवरा दिया था, इसकी एंट्री ना इस तरह सोच लिया करें, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट। प्रॉफिट कम करने का बेहतरीन तरीका है खर्चे बढ़ा दें। तो ये तस्वीर का जी दूसरा रुख है। अब जरा सिंगल एंट्री इससे निकाल लें, ये तो बैलेंस शीट में जाके क्रेडिट होगा। खर्चे बढ़ा दें तो आपस का प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो प्लस टू, खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। सेल कैंसिल हो गई है तो अनरियलाइज गेन कौन सा पड़ा हुआ है जो आपने छेड़ा है? मोहतरम, आपने क्लास ली थी सैटरडे को, दूसरी वाली नहीं ली थी, सैटरडे को दूसरी वाली क्लास, और अभी तक यूट्यूब पे भी आपने अटेंड नहीं की, आज करेंगे। तो उसमें चला ना, इस पर तकरीबन 25 से 30 मिनट डिस्कशन हुई थी इसी बात पे जो आपने पूछी है। ठीक है जी, माइक ऑफ कर दें। नहीं नहीं यार, प्यार से कह रहा हूँ, इतना अच्छा बच्चा है, रोजाना आता है, कोई एक दिन छुट्टी कर लिया आपके पीछे ही पड़ गए उसके हाथ धोगी। अच्छा जी, तो ये मोहतरम एडजस्टमेंट हो गई, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल कैंसिल हो गई। और मोहतरम आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, असल में ना ये क्लोजिंग स्टॉक में चीज पड़ी होती है, तो मैंने क्लास में डिटेल से समझाई थी, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी होती है तो वहां पे हम इसे एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक हमारी एडजस्टमेंट होगी, अब एक एडजस्टमेंट रहेगी डिविडेंड वाली, उसको भी किसके एंगल से देखना है? पी एंड एल के एंगल से। मोहतरम, ये जो डिविडेंड है ना, तसल्ली से आपने बात सुननी है मेरी, ये जो डिविडेंड है, थोड़ा सा दिमाग देना आप, ये जो डिविडेंड है ये अजीब सी चीज है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस पी एंड एल में रिकॉर्ड नहीं कर रही होती। जैसे सेल और परचेज है ना, वो तो दोनों पी एंड एल में रिकॉर्ड कर रही होती है। तो जो चीजें दोनों पी एंड एल में रिकॉर्ड कर रही होती है उसकी मैं जरा मिसालें देने लगा हूं, थोड़ी सी टेंशन चाहिए बात आपकी। एक ने सेल किया, दूसरे ने परचेज किया, ये दोनों चीजें पी एंड एल में आएंगी। एक ने इंटरेस्ट पे किया, ये भी पी एंड एल में आएगा। दूसरे ने इंटरेस्ट रिसीव किया, ये भी पी एंड एल में आएगा। एक के इंटरेस्ट एक्सपेंस में, दूसरे के अदर इनकम में। पेरेंट ने अपना ऊपर वाला पोर्शन किराए पे दे दिया सब्सिडरी को, तो पेरेंट की अदर इनकम में आएगा और सब्सिडरी के एक्सपेंसेस में आएगा। मैंने आपको तीन मिसालें दी हैं, ये तीनों चीजें पेरेंट और सब्सिडरी के पी एंड एल की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दोनों चीजें पी एंड एल में नजर आ रही होती हैं, उसके खर्चों में नजर आ जाते हैं, एक इनकम में नजर आते हैं। डिविडेंड ऐसी चीज है कि डिविडेंड कभी भी बांटने वाला खर्चों में शो नहीं करता, कि सब्सिडरी ने डिविडेंड बांटा है तो खर्चों में डेबिट, ऐसे ही है ना ड्राइंग वगैरह। एक होते अनाउंस और एक होते अर्न, एक क्या होते अनाउंस। बैग जरा, तब तो मुझे भी पता चल गया, मुझे निकाल लेते खुद ही। अच्छा, एक होते अनाउंस और एक होते अर्न। ये जो सब्सिडरी जब डिविडेंड अनाउंस कर रही होती है ना, अनाउंस कर रही होती है सब्सिडरी जब डिविडेंड क्या कर रही होती है, अनाउंस कर रही होती है सब्सिडरी जब डिविडेंड क्या कर रही होती है, ये अनाउंस करना जाना चाहिए इसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। तो अनाउंस करना आपने कंसोलिडेटेड पी एंड एल के एंगल से नहीं सोचना। यानी जो ये वाली फिगर है ना, ये वाली फिगर 480 वाली, इसको आपने पी एंड एल के एंगल से सोचना ही नहीं, क्योंकि सब्सिडरी क्या कर रही है, अनाउंस कर रही है, अनाउंस कर रही है। अनाउंस करने वाला डिविडेंड को खर्चों में डालता है या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में डालता है? मैंने आपको पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई थी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में डाल रहा था। तो अनाउंस करने वाला डिविडेंड कहां डालता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। डिस्कशन मेरी सुन लें, डिविडेंड की डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, ये कल दोबारा रिवाइज करानी है सारी। बांटने वाला डिविडेंड कहां डालते हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। अब जब पेरेंट को ये डिविडेंड मिलता है, पेरेंट को मिलता है तो 60% मिलता है, मिलने वाला पी एंड एल के मुंह पर अदर इनकम में डालता है। मिलने वाला पी एंड एल के मुंह में कहां डालता है? अदर इनकम में डालता है। क्लियर होगी ये बात? अब अगर कभी पेपर में उसने कह दिया कि इन्होंने डिविडेंड रिकॉर्ड कर लिया था,
तो पेरेंट ने अदर इनकम में डाल दिया होगा तो निकाल दीजिएगा आपस की इनकम होने की वजह से, आपस की इनकम होने की वजह से क्या कर दीजिएगा। लेकिन अगर पेपर में सवाल में कह दिया कि रिकॉर्ड नहीं किया पेरेंट ने, तो अल्लाह का शुक्र है इसने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ऐसी सूरत में फिर टाइम जाया ना कीजिएगा, अदर इनकम में डालकर फिर निकाल रहे हो वो तो बड़ा ऐसे अजीब सा फील होगा, बट करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके लिसन माय डिस्कशन फॉर द लास्ट टाइम। फर्ज कर लें ये पूरा सफा है, फर्ज कर लें ये पूरा सफा है। सब्सिडरी का बांटना, सब्सिडरी का बांटना पी एंड एल के एंगल से पेपर में नहीं सोचना आपने, ये मेरी पहली बात मुकम्मल होगी, ये अनाउंस वाली बात होगी। एंट्रीज तो बैलेंस शीट में करवा दी है ना, बैलेंस शीट में तो ये आएगा, तो जो भी है, तो सब्सिडरी का बांटना पी एंड एल के एंगल से नहीं सोचना। सब्सिडरी ने जो बांटा उसमें अर्न किसने किया, पेरेंट ने इसका 60% अर्न किया। अब अगर पेरेंट ने इसका 60% अर्न किया तो इसे मिला, जिस तरह इसे इंटरेस्ट मिलता था तो ये इंटरेस्ट अदर इनकम में डाल देता था अगर सब्सिडरी से मिले, इसे यहां डिविडेंड मिला, तो मिलना कहां डाले पेरेंट, अदर इनकम में डाले। मिलना कहां डाले पेरेंट, अदर इनकम में डाले। इट हैज नॉट बीन डाल, इट हैज नॉट बीन, उसने नहीं रिकॉर्ड किया। अब अगर उसने अदर इनकम में रिकॉर्ड नहीं किया तो करके माइनस कर दें आपस की ट्रांजेक्शन, या रिकॉर्ड ही ना करें, तो बेहतर है रिकॉर्ड ही ना करें। इस बात को ना आज सुन लें और सुन के जरा साइड पे रख लें, इंशाल्लाह इसको कल दोबारा करेंगे। तो इसलिए पी एंड एल के फेस पे मैं आज को नहीं लेके जा रहा, बल्कि ठीक है यहां पे आप टोटल्स करवा दें मुझे, वो पांच सिनेरियोज है ना, पांच में से आज एक डाला है हमने इधर, तो बाकी भी डालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा इसको हमने तीन एतबार से सोचा है बात को भाईजन, इसको हमने तीन एतबार से सोचा है, इसको वर्किंग सिक्स के एतबार से सोचा है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, मुझे फील हो रहा है इससे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ, ये सारी डिस्कशन मुझे दोबारा करा दें। दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया, बैठ जाओ जरा, दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया तो ठीक है यार, नहीं रिकॉर्ड किया तो नहीं किया, हमारी बलास है, हमें तो कॉन्टेंट वाली फिक्र चाहिए। उसके बाद मैंने बैलेंस शीट में डाला, अल्लाह का शुक्र है वो तो पास, वो प्रैक्टिस का क्वेश्चन 12 था, वो सारी उसकी डिस्कशन थी, वो मुझे दोबारा करनी नहीं पड़ी। पी एंड एल के एंगल से मैंने कैसे सोचा, बांटने वाले ने बांटा वो तो सोचे ही ना, कौन बांट रहा है सब्सिडरी, बांटे तू अपनी बला से, पी एंड एल के एंगल से नहीं सोचना। मिलने वाले को कितना मिला, 288, वो मिलने वाले ने रिकॉर्ड कर दिया या रिकॉर्ड नहीं किया, अगर रिकॉर्ड नहीं किया, एक मैं आपको मिसाल देता हूं, पेरेंट ने सब्सिडरी को चीजें बेची, दोनों रिकॉर्ड करना भूल गए, अल्लाह का शुक्र है हमें कैंसिल नहीं करनी पड़ेगी, पेरेंट ने सब्सिडरी को चीजें बेची, दोनों रिकॉर्ड करना भूल गए, ना उसने सेल में डाला ना इसने परचेज में डाला, क्या करें, शुक्र है कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इधर क्या हुआ है, इधर भी ऐसा ही हुआ, अदर इनकम में डालना था पेरेंट ने, लेकिन पेरेंट अदर इनकम में डालना तो मैं निकालने भी मत, 288 माइनस करने की जरूरत नहीं है। टोटल्स करते हैं, टोटल्स सिंगल एंट्री प्रोसेस चले हम, 18286, 11 6938, 27 1723, 5960, 138, 4578, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब असल में कुछ हजार सैटरडे को आए नहीं थे, इसलिए आप हजरात ने जरा खामोश रहने में उनसे चंद सवाल पूछ लो। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 4578, इसको अब यहां नहीं आपने सोचना कि वर्किंग 1 2 3 4 में किधर गया क्या हुआ, क्योंकि ये फॉर द ईयर टाइप चीजें हैं और ये सारी एज ऑन टाइप चीजें हैं, इसलिए इसको इस तरह नहीं सोचना आपने। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर आप फील करें तो ये पेरेंट का डेटा है, ये पेरेंट का डेटा, सेल कॉस्ट ऑफ सेल, खर्चे, इनकम्स, फील करें, ये 1426708, ये किसका डेटा है, भाई बात आने लगी है, ये किसका डेटा है, पेरेंट का डेटा है, इसमें पेरेंट का प्रॉफिट भी पड़ा है,
सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, खर्चे, अदर इनकम, खर्चे, इसमें किसका पड़ा? सब्सिडी का प्रॉफिट भी पड़ा, और अल्लाह का शुक्र है इसमें एडजस्टमेंट्स भी हो चुकी हैं, एडजस्टमेंट्स भी हो चुकी हैं। क्या ये प्रॉफिट सारा का सारा पेरेंट को दे दूं, या पेरेंट का प्रॉफिट पेरेंट वाला है और पेरेंट का प्रॉफिट सब्सिडरी के प्रॉफिट्स का 60% है? ऐसा ही है? आप, क्या मैं ये सारा प्रॉफिट पेरेंट को दे दूं और लिख दूं ये सारा पेरेंट एंजॉय करे? नहीं। तो इस प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? तकसीम। इसलिए तकसीम करने के लिए इसे मैंने इधर दोबारा लिख लिया ताकि मैं इसे एट्रीब्यूट करवा दूं पेरेंट को और एनसीआई के लिए। अब हमने खोलनी है वर्किंग फाइव। एनसीआई के लिए क्या खोलनी है? वर्किंग फाइव। टेल टू लेटर पकड़े, पकड़ लिया कैलकुलेटर, पकड़ लिया कैलकुलेटर, तैयार है? सब्सिडरी की सेल लिखें 7992, ये वाली, माइनस करें इसकी कॉस्ट ऑफ सेल 4896, 4896 माइनस करें 1272, और वही जो सवाल के मुंह पे नजर आ रही थी चीजें, माइनस 1292 प्लस 36 माइनस 576 इज इक्वल टू का बटन दबा रहे हैं 1284। ये 1284 वैसे आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, ये 1284 यहां पड़ा हुआ था, लेकिन मेरी एक बात सुनिएगा, ये 1284 किसका प्रॉफिट है? फॉर द ईयर या एज ऑन? फॉर द ईयर। सेल आपने पकड़ी है, कॉस्ट ऑफ सेल पकड़ी है, खर्चे पकड़े हैं, अदर इनकम पकड़ी है, खर्चे पकड़े हैं, सेल्स और खर्चों वगैरह को नेट किया और नेट करके आपने प्रॉफिट निकाला है। ये जो आपने प्रॉफिट निकाला है, इज इट अनएडजस्टेड और एडजस्टेड? इफ दिस इज अनएडजस्टेड तो इस प्रॉफिट को मैं पकड़ूंगा 1284 को, और 1284 को पकड़ के मैं कहूंगा एस आर ई की बजाय एस का प्रॉफिट कितना 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 1284। क्या 1284 के प्रॉफिट को मैं 40% एनसीआई को दे दूं या ये अनएडजस्टेड है? अब बच्चे ये पूछते हैं कि एडजस्टमेंट्स दोबारा क्यों कर रहे हैं? ओ भाई जन, दोबारा करनी पड़ेंगी एडजस्टमेंट्स मुझे सारी, इसलिए मुझे सारी एडजस्टमेंट दोबारा करनी पड़ेंगी कि इधर भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अनएडजस्टेड था और मैंने ये एडजस्टमेंट्स किए हैं, एडजस्टमेंट्स, ये एडजस्टमेंट की है, ये एडजस्टमेंट की है, ये एडजस्टमेंट की है, ये एडजस्टमेंट की है, इधर भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अनएडजस्टेड फिगर्स थी, इधर भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अनएडजस्टेड फिगर्स है। तो जब दोनों जगह मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अनएडजस्टेड फिगर्स है तो आफ्टर एडजस्टमेंट्स ही बांटने जाने चीजों को, एडजस्टमेंट्स के बगैर तो नहीं बांटना। अब फड्डा सिर्फ ये है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स पेरेंट यानी सीआरई में जाती हैं और कौन कौन सी एसआरई में जाती हैं? जो सीआरई में जाती हैं उनको तो आपने एस के प्रॉफिट के अतबार से सोचना नहीं है, क्योंकि एस प्रॉफिट एसआरई की ही एक छोटी बेटी है, तो एस प्रॉफिट उसी टाइप कोई चीज है। तो अब एस के प्रॉफिट को वो चीजें हिट करेंगी जो एसआरई को हिट करेंगी। अब एक बात तसल्ली से सुन लें, तसल्ली से, एसआरई में और एस प्रॉफिट में सेम फिगर्स इत्तफाकन जाएंगी, सेम फिगर्स, 3 रुपए और 2 रुपए, इत्तफाकन सेम फिगर्स जाएंगी। वजह क्या है? हमने सब्सिडरी को खरीदा है साल के पहले दिन, तो क्योंकि फॉर द ईयर प्रॉफिट भी उतने से ही हिट होगा और फॉर द ईयर अर्निंग भी उतने से ही हिट होंगी। अगर खुदा ना खास्ता सब्सिडरी को 3 साल पहले खरीदा होता तो यहां अमोर्टाइजेशन 3 सालों की 9 रुपए जाती और यहां सिर्फ 3 रुपए जाती। प्रॉफिट फॉर द ईयर टाइप चीजें हैं और एसआरई एज ऑन टाइप चीज है, ये एज ऑन टाइप चीज है। और अगली बात, डिविडेंड वगैरह कभी ना लेके जाइएगा खुदा के लिए, डिविडेंड एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी टाइप चीज है जो हम बैलेंस शीट के अंदर डाल रहे हैं, हम डिविडेंड को इसके प्रॉफिट में नहीं डाल सकते। क्लियर हो गया? अब ये तो एक झटका तरीका हो गया जो मैंने आपको बताया, मैं वन बाय वन एडजस्टमेंट्स को देखने लगा हूं। अच्छा अब आप मुझे बता दें सर कितनी दफा सवाल होने लगा है, मैं बताता हूं कितनी दफा सवाल होने लगा। पहली दफा मैंने इनको पढ़ा था वर्किंग सिक्स के एंगल से, वर्किंग सिक्स के एंगल से मैंने इसे डिविडेंड ढूंढना होता है। फिर मैंने एडजस्टमेंट्स को पढ़ा था बैलेंस शीट के एंगल से,
फिर मैंने पढ़ा था बैलेंस शीट के एंगल से, फिर मैंने पढ़ा पी एंड एल का मुंह बनाने के एंगल से, अब मैं एडजस्टमेंट्स को दोबारा पढ़ने लगा हूं वर्किंग फाइव के एंगल से। लेकिन अगेन मैं ये नहीं कहूंगा सारी चीजों को साथ साथ लेके चले, बैलेंस शीट बना के टैली कर लें, पी एंड एल बना के टैली कर लें, और आइंदा आने वाले दिनों में इतना कंफर्टेबल फील करेंगे कि आपको कोई मसला नहीं होगा। और मुझे एस टू पी में वैसे मोटी मोटी एडजस्टमेंट बता दें एस प्रॉफिट में कौन सी आई है, मैं आपको बता देता हूं जो इधर आती थी, सेल ऑफ स्टॉक एस टू पी, सेल ऑफ स्टॉक एस टू पी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एस टू पी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एस टू पी, बोलते जाए बस। आगे अगर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है तो इधर आएगा क्योंकि सरप्लस आया, और अगर लॉस था तो अमोर्टाइजेशन उल्टानी है तो वो इधर आएगी। 100% ऐसा वाली चीजें इसमें आनी है सिवाय डिविडेंड के, क्योंकि डिविडेंड एज ऑन टाइप चीज होती है, फॉर द ईयर नहीं होती कुछ, डिविडेंड को नहीं आप लेके जाते प्रॉफिट्स में, पी एंड एल में डिविडेंड कभी जाता ही नहीं, बांटने वाला डिविडेंड, ये बांटने वाला नहीं, तो बांटने वाले डिविडेंड का पी एंड एल से कोई ताल्लुक नहीं है, पी एंड एल खर्चों में तो नहीं आता, डिविडेंड खर्चों में तो नहीं आता। और एक और चीज आनी है, अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो इंपेयरमेंट लॉस इधर आता था, इंपेयरमेंट लॉस भी इधर आएगा। तो एस प्रॉफिट्स में क्या क्या चीजें जानी हैं जो एसआरई में जाती थी, एसआरई में एज ऑन जाती थी, एस प्रॉफिट में, लेकिन लकीली हमारे सवाल में खरीदे हुए भी साल हुए और हमारा ईयर भी प्रॉफिट फॉर द ईयर साल का ही है, तो दोनों इत्तेफाकन बराबर फिगर्स जा रही है, बट ये तरीका नहीं है इसके देखने का, इसके तरीके देखने का तरीका यह है। अच्छा जी, यहां से नेगेटिव गुडविल आ गई थी, इस डेटा से कितनी आई थी, 987, ये सीआरई टाइप चीज थी या एसआरई टाइप, जब ये सीआरई टाइप चीज थी तो इट हैज नथिंग टू डू विद एसआरई एंड इट हैज नथिंग टू डू विद एस प्रॉफिट। तरतीब से चलते रहे, नेक्स्ट, ये जो एडजस्टमेंट हुई थी, इस एडजस्टमेंट की वजह से खर्चे बढ़ने से अर्निंग्स कम हुई थी, इसी तरह सोच लें खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट फॉर द ईयर भी तो कम होगा। आप ये ना कहिएगा सर ये ₹3 की एडजस्टमेंट इधर भी कर दी आपने, ₹3 की एडजस्टमेंट इधर भी कर दी आपने, ₹3 की एडजस्टमेंट इधर भी कर दी आपने, तीनों दफा में अनएडजस्टेड फिगर से चल रहा हूं इसलिए मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं। चलें जी, ₹3 एस टू पी वाला प्रॉफिट रिवर्स हो गया, अमोर्टाइजेशन ₹3 अमोर्टाइजेशन, चले ये ₹3 एसआरई में जाता था और साथ आज के बाद किसमें जाया करेगा, एस प्रॉफिट में। अगली एडजस्टमेंट पढ़े, एस टू पी, मैंने जानबूझ के एस टू पी रखे, मैं पी टू एस भी रख सकता था, सिर्फ एस टू पी वाली। अब एस टू पी बताएं इधर भी जाते हैं, इधर भी जाएगा एस टू पी, कितने रुपए से, ₹2 से, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है तो खर्चे बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे, एस टू पी कितना, ₹2। डिविडेंड के एतबार से हमारी डिस्कशन होगी, उसको छोड़ें, डिविडेंड ना वर्किंग फाइव में कभी भी नहीं जाने, ना अर्न करने वाले ना बांटने वाले, बांटने वाले इसलिए नहीं जाने कि एस जब बांटता है तो प्रॉफिट्स फॉर द ईयर में नहीं जाते, वो तो स्टेटमेंट एंड इक्विटी में जाते हैं, और मिलने वाले इसलिए नहीं जाने कि ए को मिलते हैं ये तो एस का प्रॉफिट है। आप बता दें ये जो प्रॉफिट्स हैं क्या, अच्छा मुझे बताएं कि मैंने ये एक एडजस्टमेंट ये ₹2 वाली की थी, एक ₹3 वाली की थी, एक 987 वाली की थी, मैं दो और तीन को लेके गया हूं, 987 को क्यों नहीं लेके गया यहां, क्योंकि ये सीआरई टाइप एडजस्टमेंट है और यहां कौन सी एडजस्टमेंट लेके जानी है, एसआरई टाइप। अब इसको तकसीम कर दें, इसमें से सीआरई को कितना देना है, इसको छोड़े मैंने कहा था, सिर्फ ये बता दिया करें एनसीआई को कितना देना है, 1284 माइनस 3 माइनस 2, 12 इंटू 512 किसको दे दें, एनसीआई को। अब ये हमारे टोटल प्रॉफिट्स हैं, इसमें से अब ये है क्या 512, लॉजिक बताएं, एस के एडजस्टेड प्रॉफिट का 40%, एडजस्ट के एडजस्टेड प्रॉफिट का 40% इसको दे दें और बाकी बैलेंसिंग 4066। जी भाई हैंड रिटन पेज नंबर 7 निकाल लें, हैंड रिटन पेज नंबर 7, चीजें टिक कर लें जो जो हमने कर ली हैं, एडजस्टमेंट 3 टिक करें हैंड रिटन पेज नंबर 7 पे, एडजस्टमेंट 3, सेल ऑफ स्टॉक बाय एस टू पी, सेल ऑफ स्टॉक बाय सोल्ड की फिगर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दें और ₹2 की एंट्री कर दें कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट। लेकिन इधर फिगर्स चेंज है हैंड रिटन पेज पे, ₹30 सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस हो गए और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, हिट वर्किंग फाइव,
खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट, और याद कैसे रहेगा हिट वर्किंग फाइव, एसआरई में डालते थे लेकिन आज किस में डाल रहे हैं, एस प्रॉफिट में डाल रहे हैं, तो एसआरई की बजाय एस प्रॉफिट में डाल दिया, हिट वर्किंग फाइव। तो ये जो अभी है ना हैंड रिटन पेज नंबर सेवन, ये तो देखें क्या कर रहे हैं, हैंड रिटन पेज नंबर सेवन आपको गाइडेंस देगा इस पोर्शन की और साथ साथ इस पोर्शन की भी, हैंड रिटन पेज नंबर फाइव दोनों चीजों की साथ साथ साइमल्टेनियस गाइडेंस देगा। ये हो गया सेल ऑफ स्टॉक बाय एस टू पी, लेकिन अगर सेल ऑफ स्टॉक बाय पी टू एस होता तो ऐसी सूरत में हम 60 रुपए को दोनों जगह माइनस करते, कॉस्ट ऑफ सेल को जरूर डेबिट करते और 60, 60 और 2 इसी तरह आता, लेकिन क्योंकि ये पेरेंट के प्रॉफिट सीआरई टाइप चीज है तो इसको फिर एस टू पी वाली चीज को यहां ना लाते, क्योंकि अब ये पी टू एस वाली है, अगर पी टू एस वाली चीज होती तो फिर कंसोलिडेटेड पी एंड एल के मुंह पर 50 दोनों जगह माइनस होता और 5 ऐड होता, ऐड होता, ऐड होता, 5 5 यहां पे ऐड करना है, आपस का प्रॉफिट उलटाना है, लेकिन आपस का प्रॉफिट उलटाने के बाद ये नहीं सोचना पेरेंट ने उलटाना है, पेरेंट की सारी चीजें यहां बैलेंसिंग आएंगी वर्किंग फाइव में, तो पेरेंट का प्रॉफिट उलट रहा है, उलट कहां जाएगा पेरेंट का प्रॉफिट, सीआरई में, तो सीआरई टाइप चीजें कभी भी एस प्रॉफिट में नहीं जाने। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑफ रिवेल्युएशन सरप्लस ऑन एस एसेट्स, एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट और डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट, सिर्फ सिर्फ इस थ्री को सर्कल लगा लें, सिर्फ इस थ्री को पोस्ट करना है आपने, बाकी आपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए कुछ पोस्ट नहीं करना। डेप्रिसिएशन डेबिट, लकीली ये 3 रुपीज तक वही बना गया, ये करना। अब सोचें किसके एसेट्स डिप्रिशिएट हो रहे हैं, एस के, तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने से एस के प्रॉफिट्स में फर्क पड़ा है, इसलिए बड़ा बड़ा करके यहां लिखा हुआ है हिट वर्किंग फाइव विद द फिगर ऑफ थ्री, खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गए। तो ये हमने दो एडजस्टमेंट्स की हैं, ये दो एडजस्टमेंट्स हमने देख ली हैं कैसे हिट करती हैं पी एंड एल के मुंह को, यानी कंसोलिडेटेड पी एंड एल के मुंह को और वर्किंग नंबर फाइव को। कुछ दिन गुजरेंगे, शायद कल का दिन, तो मैं पिछले सफे पे लाकर आपको एस प्रॉफिट यानी वर्किंग फाइव का फॉर्मेट दिखा दूंगा जो लगे हाथों आज ही देख लेते हैं। एस के प्रॉफिट में क्या क्या उलटने हैं, वर्किंग फाइव का फॉर्मेट है एग्जाम लेवल का, एस के प्रॉफिट में क्या क्या उलटने हैं, एस टू पी वाला प्रॉफिट रिवर्स होने और रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन सरप्लस। अभी आप रहने दें, आगे चलें, ये दो एडजस्टमेंट हमने पोस्ट किए हैं, एस टू पी वाला प्रॉफिट, और तो आखिरी और हतमी बात, पी एंड एल का मुंह बनाते हुए सिंगल एंट्रीज से लेके चलना है और एस प्रॉफिट में सारी चीजें एस आर ई टाइप आनी है, लेकिन फॉर द ईयर या एज ऑन फॉर द ईयर। होमवर्क वाले सवाल में देख लें डिविडेंड तो नहीं है, जी बिल्कुल, पोस्ट वाली भी हमने पढ़नी है, डिविडेंड तो नहीं है होमवर्क वाले सवाल में, नहीं क्वेश्चन 28 नहीं करना, क्वेश्चन 29 करना है आपने, क्वेश्चन 29 का सोल्यूशन दिया होगा यार, नहीं दिया हुआ फिर तो ये, ओ हाँ आज तो एक और सवाल है आपका होमवर्क में, पास्ट पेपर का क्वेश्चन टू, पास्ट पेपर का क्वेश्चन टू, बड़ा आसान सा सवाल है, नहीं 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 पास्ट पेपर का क्वेश्चन टू, किधर है वो, नंबर 95, पेज नंबर 95, ये ना 25 मिनट लगाइएगा, ज्यादा टाइम ना लगाइएगा, 25 मिनट, देखें इधर, उसी तरह सेल कॉस्ट ऑफ सेल सेलिंग एडमिन फाइनेंस टैक्स को उठा के वर्किंग सिक्स में ले जाइएगा, रिटेन अर्निंग कौन सी गिवन है, कितनी करंट एसेट इन्वेस्टमेंट्स और करंट लाइबिलिटीज, और एक एडजस्टमेंट फेयर वैल्यू वाली है, ये पी ने एस को स्टॉक बेचा है, ये एस ने पी को स्टॉक बेचा है, आपस के डेटर क्रेडिटर हैं कोई नहीं, एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे है, गुडविल इंपेयर हो रही है 10% से, ये जरा बता दें गुडविल इंपेयर हो रही है 10% से, पी एंड एल के मुंह पे कहां डालेंगे गुडविल की इंपेयरमेंट, चलिए चलिए ट्राई करें, नहीं
नहीं, माइनस तो नहीं करेंगे ना, खर्चा है ये, तो खर्चा खर्चों में ऐड कर दीजिएगा, प्लस इंपेयरमेंट लॉस, बस यहां पे ऐड कर दीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह आपका सही आएगा। इसका सोल्यूशन दिया नहीं, इधर नहीं, मैं बता दूंगा कल, इसलिए इसको मैं दे रहा हूं, बस इसका एक इंपैक्ट होना है इंपेयरमेंट लॉस का, वर्किंग फाइव में नहीं जाएगा, वजह कल बता दूंगा, सिर्फ इधर खर्चों में जाना है। एक क्वेश्चन है बस उम्र में, क्लास के बाद पूछना। अच्छा वो ए बी सी डी ई, ई फॉर एथिक्स, नहीं नहीं मैं सवाल नहीं करा रहा आपको कोई, मैंने सवाल पिछली क्लास में करवा दिया भाईजन, मैंने सवाल आपको पिछली क्लास में करवा दिया है, अब मैंने आपको इसका पेपर में लिखने का तरीका बताना है। तो आंसर फोर लिखें, वो बैंक में नहीं गए थे लोन लेने के लिए, तो जब वो अपने बेटे के लिए लोन मांगने लग गया था, इसका सोल्यूशन लिखने का तरीका लिखें। एथिक्स का सारा सोल्यूशन क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल होता है, जो सिनेरियो से लिंक करना होता है। बचपन में भी कहा जाता था बेटा सवाल के अंदर जवाब ढूंढो, टीचर मुझे नहीं नजर आ रहा, चुप चुप, अब नजर आया, हाँ अब नजर आ रहा है मुझे, तो लिखना शुरू करेंगे आंसर फोर। CEO is in breach, past paper question 4 है, CEO is in breach of following fundamental principles, CEO is in breach of following fundamental principles of ICAP code of ethics। आगे वो दो नुक्ते लगाते होते हैं, आप दो नुक्ते लगा दें, क्या कहते हैं उसे, कॉलन, कॉलन। अच्छा जी पहली हेडिंग दें इंटेग्रिटी, कौन सी रिटी, इंटेग वाली रिटी, आगे ठहर जनाब मैं गलती तो नहीं याद करके आया, इंटेग्रिटी की ये डेढ़ लाइन कॉपी पेस्ट करें, ये तो नहीं, ये बूटी बना के नहीं, ये आपको याद करनी है, ये आपको याद करनी है, एन अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये लिखें, एन अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आपको थोड़ा सा ना याद करना पड़ेगा अकेले में बैठ के, An accountant is required to be straightforward and honest. भाई आप भी कोशिश करें, देखें बॉल पॉइंट अप्रिशिएट करेगी। An accountant is required to be straightforward and honest in all professional and business relations. Time हुआ तो ये लाइन भी लिखाइएगा, वरना ये लाइन की भी जरूरत नहीं, इट इज नॉट जस्ट ऑनेस्टी। अच्छा अब आपने एक ना चीज लिखनी है, मैं अभी पहले आपको लिखवा दूं, अब मैंने कहा सवाल से ही सोल्यूशन होगा, अभी अभी लिखे ना, द सीईओ इज नॉट ऑनेस्ट बिकॉज, बिकॉज ये कौन सा सवाल है, फोर है, ये वो लोन वाला तो नहीं था, ये तो वो था जिसमें रिश्वत दी जा रही थी, और एडवर्टाइजमेंट जो आपका बिल था वो कम था और आप रिश्वत दे के सेल कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना चाह रहे थे, तो सीईओ अब लिखे, सीईओ इज नॉट ऑनेस्ट, सीईओ इज नॉट ऑनेस्ट because, आप जरा ढूंढें, because he is advising to process the payment, he is advising, CEO is not honest because he is advising to process the payment, अब इधर आए, to process the payment at a value, एक मिनट, at a value में तरफ से लिखें, he is requesting to proper the payment at a value, अब इधर से लिख लें, debt far exceed the value of service, जी क्यों नहीं इसके अंदर ऑनेस्टी थी, क्योंकि वो रिश्वत देने को कह रहा है, ठीक है, इसमें आप ये लफ्ज भी लिख सकते हैं, the extra payment will be reused टू ऑब्टेन अ सेल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। अच्छा लेकिन फिलहाल इतनी सी बात काफी है इंटेग्रिटी में, आगे लिखें ऑब्जेक्टिविटी, ये पहली लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, वाली नीचे वाला भी याद करना होगा, ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स नॉट टू कंप्रोमाइज, ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स नॉट टू कंप्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट because of bias, आगे ना डैश डैश डाल दें,
ये दो तीन लाइनें, ये दो तीन वर्ड खुद ही लिख लीजिएगा घर में जाके, आगे डैश डाल दें फुल स्टॉप। अच्छा मुझे ना वजह बताएं ये क्यों नहीं न्यूट्रल, कोई बंदा वजह बता दे अंदर से कोई लफ्ज ढूंढ के क्यों नहीं न्यूट्रल। एक्सलेंट, बिकॉज ही वॉन्ट टू ऑब्टेन अ सेल, ये वजह उसके न्यूट्रल ना रहने की। वरना और क्या वजह हो सकती है, कभी न्यूट्रल ना रहने की ये वजह होगी स्टॉक चेंज में लिस्टिंग मिल जाए, कभी न्यूट्रल ना रहने की वजह ये होगी कि हमें बैंक लोन दे दे। तो इधर न्यूट्रल ना रहने की वजह क्या आपको नजर आ रही है, ये वाली बात आप लिखें। इन दिस केस सीईओ, अभी मैं सवाल से कुछ नहीं बोल रहा, अपनी तरफ से बोल रहा हूं, इन दिस केस सीईओ इज नॉट न्यूट्रल। अब कहानी तो पहले आपने लिख दी है, आगे लिखें, बिकॉज द एक्सेस पेमेंट कर ले, लिख ले, बिकॉज द एक्सेस पेमेंट वुड बी की जगह इज मेड ज्यादा चला उसमें लग रहा है, इज मेड करते हैं, बिकॉज द एक्सेस पेमेंट इज मेड टू ऑब्टेन अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए ये न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, तीसरा इंशाल्लाह कल लिख लेते हैं, तीसरे की हेडिंग दे दें प्रोफेशनल बिहेवियर। तो होमवर्क हो गया, पास पेपर क्वेश्चन 2, ठीक है, टेस्ट भी देना है ना जो आपने।